हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए आज का हम इंडो एडवर्टाइजर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अभी तक हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उससे होगा ये, जो भी वीडियो अपलोड होगी आपका नोटिफिकेशन जो उसका होगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा। और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी फीडबैक है या फिर कोई भी सजेशन है जो आप हमें देना चाहते हैं तो वो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें दे सकते हैं। मूव ऑन करते हैं मोटिवेशनल कोट के ऊपर। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, तो यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। अगर इसमें डर और रिस्क नहीं होता तो हर कोई इसे कर लेता। तो अपने वोकैब के ऊपर मूव करते हैं। तो आज की पहली वोकैब है रिफॉर्म, मतलब सुधार, किसी चीज में सुधार का करना। मेक चेंजेस इन समथिंग स्पेशली एन इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट। किसी भी चीज में, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग, उसमें अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं जिससे कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है तो वो उसे कहेंगे हम रिफॉर्म्स। क्विक फायर मतलब जल्दी आग, अनहेसिटेटिंग एंड रैपिड इन क्विक सक्सेशन मतलब बहुत जल्दी एक्शन का लेना। डिस्क्वाइट मतलब बेचैनी, ए फीलिंग ऑफ वरी और अनईज, बेचैन होना। ओवरहॉल मतलब कायापलट। एनालाइज एंड इम्प्रूव ए सिस्टम मतलब जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है आपने उसको एनालाइज किया और साथ ही साथ उसको चेंज कर दिया, जिससे काफी कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। डेलिब्रेशन यानी विवेचना, लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, मतलब आप किसी पॉइंट के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हो, अपने व्यू पॉइंट्स रख रहे हो। क्रिटिस मतलब आलोचना करना, द एनालिसिस एंड जजमेंट ऑफ द मेरिट्स एंड फॉल्ट्स ऑफ ए लिटरेरी और आर्टिस्ट वर्क। हिंटरलैंड पृष्ठभूमि, एन एरिया लाइंग बिहाइंड व्हाट इज विजिबल और नॉन। वेग मतलब अस्पष्ट यानी कुछ भी क्लियर ना होना। ऑफ अनसर्टेन इनडेफिनाइट और अनक्लियर कैरेक्टर और मीनिंग। Convincing, ठोस, capable of causing someone to believe that something is true or real, किसी को विश्वास दिलाना, आप उसमें ठोस मतलब एकदम इस प्रकार से आपको किसी को भरोसे में लेना कि जो आप कह रहे हो उसके पीछे का जो ट्रूथ है वो सही है। Travel, यानी कष्टपूर्ण या कड़ा परिश्रम, painful or laborious efforts, मतलब काफी दुखदायी और या फिर बहुत ज्यादा आपने इसमें efforts किए हैं। तो आज का जो आर्टिकल है उसका जानते हैं टाइटल क्या है। टाइटल है रिफॉर्म विद कॉशन, यानी अब जरूरत है सुधार करने की और साथ ही साथ सावधानी के साथ में। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म शुड नॉट बी मेड बाय क्विक फायर मींस और विदाउट वाइड कंसल्टेशंस। जो क्रिमिनल लॉ यानी जो क्रिमिनल्स हैं यानी जो शातिर अपराधी वाले जो कानून हैं उसमें अब क्या है, जो रिफॉर्म्स यानी सुधार होने तो चाहिए लेकिन वो ऐसे नहीं होने चाहिए एकदम जल्दीबाजी में, बिना उसके मींस और विदाउट वाइल्ड कंसल्टेशंस, यानी बहुत जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। उसके जो आपके जो इफेक्ट हैं वो उसको एनालाइज करने चाहिए और बहुत वाइड स्तर पे उस पर जो है कंसल्टेशंस यानी उसमें डिस्कशंस होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो आज का आर्टिकल है उसमें क्या कहा गया। द फॉर्मेशन ऑफ ए कमेटी फॉर द रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ बाई द यूनियन होम मिनिस्टर विद एन एपरेंटली शॉर्ट टाइम फ्रेम एंड लिमिटेड स्कोप फॉर पब्लिक कंसल्टेशन हैज कॉज कंसिडरेबल डिसक्वाइट अमंग ज्यूरिस्ट लॉयर्स एंड दोज कंसर्न विद द स्टेट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री। कहा यह जा रहा है कि जो कमेटी बनाई गई है यानी जो फॉर्मेशन किया गया कमेटी का, किसके लिए कमेटी बनाई गई है वो जानते हैं। कमेटी फॉर द रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ यानी जितने भी है जो शातिर अपराधी वाले जो क्रिमिनल्स यानी लॉ है जो कानून है इसमें सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई है उसको भी जानते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा बनाई गई है विद एन अपेरेंटली शॉर्ट टाइम फ्रेम, साथ ही साथ ये भी उसमें दिया गया है कि बहुत कम समय का टाइम फ्रेम दिया गया है एंड लिमिटेड स्कोप, साथ ही साथ उसको क्या है जो उसका स्कोप है यानी जो दायरा है उसका वो भी लिमिटेड कर दिया गया है, यानी उसको भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप इतना ही कर सकते हैं, यानी उसको फ्री हैंड नहीं दिया गया है। फॉर पब्लिक कंसल्टेशन
कि पब्लिक कंसल्टेशंस के लिए हैज कॉज, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंसिडरेबल डिसक्वाइट, मतलब बेचैनी है किसके अंदर, जो जूरिस्ट है उनके अंदर, यानी जो जजेस हैं, जो उनकी जो लॉबी है उनके अंदर, जो लॉयर्स हैं यानी जो वकील है उनके अंदर, एंड दोज कंसर्न, और जो इससे संबंध रखते हैं विद द स्टेट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री, जो भी जैसे राज्यों के जो क्रिमिनल जस्टिस यानी कानून से जो संबंधित हैं जो अपने देश में, उसके लिए बताया गया है कि वो इससे कंसर्न है यानी चिंतित है, वो इससे बेचैन है। फ्यू वुड डिसएग्री, और उनमें से कुछ क्या डिसएग्री है विद द आइडिया, जो ये ऐसा सुझाव है दैट द करंट लॉ गवर्निंग क्राइम, जो करंट लॉ है यानी जो अभी करंट में जो कानून है जो भारत में गवर्न कर रहा है, यानी जिसके द्वारा क्राइम का इन्वेस्टिगेशंस का और जो ट्रायल रिक्वायर मीनिंगफुल रिफॉर्म्स, कि कुछ इस वजह से डिसएग्री है कि जो अभी करंट कानून है वही सही है, हम जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स का रिक्वायर कि मीनिंगफुल रिफॉर्म्स कि हम ऐसा मानते नहीं है, तो कुछ इस कारण से डिसएग्री कर रहे हैं। देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स इन रिसेंट डेकेड्स, और ऐसा देखा गया है कि हाल ही के पिछले कुछ दशकों में बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं टू ओवरहॉल द बॉडी ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी इसके कायापलट करने की, यानी बहुत सारे इसमें रिफॉर्म्स यानी बदलाव ला के इसको कुछ हद तक सख्त और करने की, कि इसमें क्रिमिनल लॉ में यानी जो क्रिमिनल्स का जो कानून है इसमें, कंप्राइजिंग द इंडियन पिनल कोड, मतलब आईपीसी ऑफ 1860, यानी जो इंडियन पिनल कोड है ये जो कब आया था, 1860 में आया था, विंटेज कितना पुराना हो चुका है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर That was rewritten in 1973, और जो इसका कोड है जो क्रिमिनल प्रोसीजर का वो फिर से लिखा गया था 1973 में, एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट, और जो सबूत का जो कानून है, भारतीय सबूत का जो अधिनियम है, डेट डेट्स बैक टू 1872, और वो आया था 1872 में। However, हालांकि कंप्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म, जो व्यापक स्तर पर जो कानून में जो बदलाव और जो सुधार की जरूरत है, इज समथिंग डेट रिक्वायर केयरफुल, कहा जा रहा है कि उसको जरूरत है साथ ही क्या, केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक कंसिडरेशंस की, एंड ए गुड डील ऑफ डेलिब्रेशन, और बहुत अच्छे स्तर पर उसके डिस्कशंस की, यानी इसमें अगर ये चीज हटा दी जाए और इसमें ये चीज ऐड कर दी जाए, इसमें ये चीज और इम्प्रूव कर दी जाए, तो इसके क्या होंगे प्रो और कॉन्स, यानी क्या इसके फायदे हो सकते हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो, अगर हम वैसा करते हैं तो। वन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द लेटेस्ट कमेटी इज डेट, और जो एक जो आलोचना की जा रही है अगेंस्ट यानी कि इसके खिलाफ जो लेटेस्ट कमेटी है वो यह है, इज दैट इट हैज बिगन इट्स वर्क इन द मिडस्ट ऑफ ए पेंडेमिक, कि उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया इस महामारी के बीच में ही। दिस मे नॉट बी द आइडल टाइम फॉर वाइल्ड कंसल्टेंट्स, कि और ये जो समय बताया जा रहा है कि ये सही नहीं है एक व्यापक स्तर पर आप किसी से भी सलाह मशवरा ले सके, यानी कंसल्टेंट्स से बातचीत कर सके, डिस्कशन कर सके। एक्टिविटी जो एक्टिविस्ट हैं और जो लॉयर्स हैं यानी जो वकील है, फंक्शनिंग इन द हिंटरलैंड, वो काम कर रहे हैं हिंटरलैंड यानी पृष्ठभूमि में, मे बी एट ए पर्टिकुलर डिसएडवांटेज इन फॉर्मुलेटिंग देयर ओपिनियन, इस संदर्भ में जो उसका नुकसान है यानी डिसएडवांटेज है किसमें, इन फॉर्मुलेटिंग देयर ओपिनियन यानी अपने राय बनाने के लिए। द पैनल्स मैंडेट अपीयर क्वाइट ब्रॉड, जो पैनल का जो मैंडेट होना चाहिए यानी जो एक तरीके से जो वहां पे वोटिंग होनी चाहिए यानी जो दिखना चाहिए वहां पे, वो क्वाइट क्या बहुत ब्रॉड है। टू रेकमेंड यानी जो सुझाव दिए जा रहे हैं, टू रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल लॉ, जो सुझाव दिए जा रहे हैं सुधार के किसमें, क्रिमिनल लॉ में, ऑफ द कंट्री इज ए प्रिंसिपल, वो क्या है बहुत बड़े स्तर पे है, प्रिंसिपल है। इफेक्टिव एंड एफिशियंट मैनर विच एंश्योर, जिससे कि क्या होगा वो इफेक्टिव भी हो और एफिशियंटली भी हो, विच एंश्योर, जो कि है हमें आश्वस्त कर पाए क्या, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जिससे क्या है जो सेफ्टी है और जो सिक्योरिटी है जो सुरक्षा है आम जन की वो इससे लोगों को मिल पाए, द कम्युनिटी एंड द नेशन साथ ही साथ, एंड विच प्रायोरिटाइजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ जस्टिस, और जो क्या है इसमें प्रायोरिटी करे यानी जो इसमें प्राथमिकता दे क्या किस चीज को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो संवैधानिक हमारे अधिकार है, वैल्यू है, जो जस्टिस है, न्याय है, डिग्निटी एंड द इनहेरेंट वर्थ, और जो हमें पहले से जो विरासत में मिली हुई है ऑफ द इंडिविजुअल को। दिस इज ए वेग, और ये कहा जा रहा है कि ये क्या अस्पष्ट है एंड ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, और यह क्या खुली हुई है बहुत सारी इंटरप्रिटेशन, यानी जिस जो जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो उस हिसाब से इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है यानी समझ रहा है। इट इज नॉट क्लियर, और ये क्या अभी तक क्लियर नहीं है, व्हाई द लॉ कमीशन हैज नॉट येट बीन वेस्टेड विद दिस टास्क,
कि क्यों अभी तक जो हमारा जो कानून का कमीशन है उसने इसमें अपना जो वेस्ट है यानी उसने इसमें अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया इस टास्क में अभी तक। द लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन विच जो इसमें जो विविधता की कमी है इज व्हाट इज एन ऑल मेल, क्या इसमें जो है सभी मेल। दिल्ली बेस्ड कमेटी और जो दिल्ली की जो बेस्ड कमेटी है हैज ऑल्सो बीन वो भी एडवर्सली कमिटेड अपॉन, उसने भी इसके ऊपर क्या अच्छा कमेंट नहीं किया, उसने भी क्या इसके ऊपर एडवर्स कमेंट किया है मतलब कि नेगेटिव कमेंट किया उसके ऊपर। इन 2003 और 2003 में द जस्टिस जो मतलब जस्टिस यानी न्यायाधीश थे जो वी एस मलिमथ कमेटी जो उनकी कमेटी बनाई गई थी ऑन रिफॉर्म्स यानी सुधार के लिए किसमें इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए हैड कम अप विद सम फार रीचिंग सजेशंस, वो सामने आई थी बहुत सारे दूरगामी सजेशंस सुझावों के साथ। सम ऑफ विच बिकेम पार्ट ऑफ चेंजेस इन द क्रिमिनल लॉ, और उसमें से क्या कुछ पार्ट बने यानी हिस्सा बने जो चेंजेस किए गए क्रिमिनल लॉ में उसमें। However, हालांकि इट also attracted, हालांकि उसने क्या है अट्रैक्ट किया यानी ध्यान केंद्रित किया क्रिटिसिज्म ओवर द सजेशंस यानी जो आलोचना हुई किसके ऊपर हुई जो सजेशन यानी जो सुझाव दिए गए थे दैट द स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस यानी जो स्टैंडर्ड है जो सबूतों का एविडेंस है बी रिड्यूस उसको घटा दिया जाना चाहिए फ्रॉम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट टू क्लियर एंड कन्विंसिंग, मतलब अगर आपको किसी पे संदेह हो रहा है तो उससे हटा देना चाहिए टू क्लियर एंड कन्विंसिंग, अगर वो एकदम क्लियर है साफ है स्पष्ट है और कन्विंसिंग और अगर वो ठोस है तो, मतलब कि किसी को भी अगर कोई डाउटफुल है तो वो एविडेंस नहीं मानेंगे ऐसा सजेशन दिया गया था तो उसके ऊपर उनकी आलोचना की गई थी। द जस्टिस वर्मा पैनल और जो जस्टिस यानी जो न्यायाधीश वर्मा जी का पैनल है केम अप विद ए कॉम्प्रिहेंसिव, वो भी सामने आया कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक स्तर पे एंड प्रोग्रेसिव रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स यानी सुधार के ऊपर उनकी भी एक रिपोर्ट आई। नीडेड इन लॉ कंसर्निंग क्राइम्स जो कि कंसर्न यानी चिंता कर रहा था जो क्राइम्स यानी जो घटनाएं घट रही थी किसके अगेंस्ट में वुमन के अगेंस्ट में इन 2013 इन बेरली वन मंथ और एक महीने के अंदर ही जो घटित हुई थी इतने ज्यादा क्राइम बढ़ गया था 2013 में ऐसा कहा जा रहा था। तो उस टाइम पे उनकी भी एक रिपोर्ट आई थी किसकी आई थी जस्टिस वर्मा पैनल की भी, तो उन्होंने भी रिफॉर्म्स यानी सुधार के लिए अपने कुछ सजेशंस दिए। बट इट्स स्पीड वाज प्रोबेबली ड्यू टू लिमिटेड मैंडेट इट हैड, लेकिन जो उसकी गति थी यानी जो उसकी स्पीड थी वो प्रोबेबली यानी लगभग यानी कह सकते हैं ड्यू टू लिमिटेड मैंडेट इट हैड, क्योंकि उसका में क्या है लिमिटेड था यानी एक जो टाइम फ्रेम था वो लिमिटेड दिया गया था उनको, इस वजह से वो भी नहीं हो पाया यहाँ पे। इफ एट ऑल क्रिमिनल लॉ इज टू बी रिफॉर्म, अगर हम देखें यदि सभी प्रकार के जो क्रिमिनल कानून है उसमें अगर सुधार किया जाए देयर शुड बी अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू रीच अ वाइड कंसेंसस ऑन वेज टू स्पीड अप ट्रायल्स, तो कहा यह जा रहा है कि उसके लिए हमें जरूरत है क्या किस चीज की तो उसको देखते हैं होना ऐसा चाहिए कि जेन्युइन अटेम्प्ट यानी एकदम सही दिशा में सही अटेम्प्ट किया जाना चाहिए जो पहुंचे वाइड कंसेंसस यानी आम सहमति जिसके ऊपर बने ऑन वेज टू स्पीड अप यानी स्पीड अप किया जाना चाहिए जो ट्रायल्स यानी जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है और प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए यानी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो विटनेस यानी जो गवाह होते हैं एंड एड्रेस द ट्रायल्स ऑफ विक्टिम्स और एड्रेस की जानी चाहिए जो पीड़ा है जो परिश्रम है जो कष्ट है किसका जो विक्टिम्स है यानी कि जो उस दुर्घटना में एक तरीके से पीड़ित पक्ष आप कह सकते हो विक्टिम्स को। इम्प्रूव इन्वेस्टिगेट मैकेनिज्म और साथ ही साथ जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है जो मैकेनिज्म है उसको भी सुधार करना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली और जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे बताया गया एलिमिनेट टॉर्चर कि इसको जो टॉर्चर करते हैं किसी को जो मतलब कि परेशान करना या फिर किसी को डराना धमकाना तो उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो ये क्या है ये सारी चीजें हैं जो कि वाइड एरिया में होनी चाहिए यानी कि व्यापक स्तर पे होनी चाहिए, इसी के द्वारा जो क्रिमिनल लॉ है उसमें रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं इन सभी में थोड़ा थोड़ा सुधार करके। एंड इम्प्रेशन शुड नॉट गेन ग्राउंड डेट वाइड रेंजिंग चेंजेस आर सॉट टू बी मेड विद इन ए शॉर्ट टाइम फ्रेम, लेकिन इसका मतलब यह है नहीं है कि केवल हम इम्प्रेस करें किसी को भी अपने लाभ के लिए किसी ग्राउंड के ऊपर कि वाइड जो इतने व्यापक स्तर के जो चेंजेस हैं ये बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर नहीं लाए जा सकते और इसके लिए टाइम भी चाहिएगा एंड बेस्ड ऑन लिमिटेड इनपुट फ्रॉम द पब्लिक, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग ही इसमें अपना योगदान दें पब्लिक भी, तो ये क्या सभी के लिए ओपन होना चाहिए
और साथ ही साथ में हालांकि जो भी कंसर्न्स होते हैं, जो इसकी चिंता के जो विषय होते हैं, जो भी सजेशंस होते हैं, वो ओपन टू ऑल होना चाहिए। और जिसका टाइम फ्रेम है वो भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि आपको एक महीने के अंदर ही आपको इतना सब कुछ करके बताना होगा, कैसे कैसे क्या होगा, इसको फिर इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी इसको बढ़ाना चाहिए। रिफॉर्म इज द बेस्ट अचीव, रिफॉर्म्स यानी जो सुधार है उसको अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है, यानी प्राप्त किया जा सकता है थ्रू ए कॉशियस एंड इंक्लूसिव अप्रोच, यानी सावधानी के साथ में और सबको एक साथ इंक्लूसिव अप्रोच अपना के। कहने का तात्पर्य यह है कि सबको एक साथ मिलजुल के हम ये सारे जो सुधार हैं ये इसको हम ना केवल बना सकते हैं, ना केवल हम इसको फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, बल्कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी काफी अच्छे से हम कर सकते हैं। यानी कि इन सब चीजों का पहले इसके ऊपर हमें सोच विचार करना और उसके बाद इसको लागू करना। अगर हम सभी लोग साथ मिलजुल करके जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी कंसर्न कमेटी है, जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स है, या फिर जो भी कंसर्न पीपल है, पब्लिक है, जो भी है, जो भी इससे संबंधित है लोग बाग, जिनको इनके बारे में बेटर नॉलेज है एज कम्पेयर टू ए जनरल पीपल, मतलब कि एक आम नागरिक से की अपेक्षा, जो भी इस चीजों से डील करता है, जो भी जस्टिस है, चाहे लॉयर हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे कोई भी हो, वो उन सबको इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो उनके सभी के इसमें विचार आने चाहिए, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, जब ये जो सुधार है वो व्यापक स्तर पर हो सकते हैं। और एज कम्पेयर टू अगर हम लिमिटेड टाइम फ्रेम में करेंगे तो हो सकता है काफी सारी चीजें रह जाए, लेकिन जब बहुत सारे चीज़ों को हमें करना होता है तो उसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, जिससे कि वो बेटर तरीके से और फॉर सिंग फ्यूचर, यानी हमेशा के लिए वो एक प्रकार का कुछ टाइम तक अच्छे से रह पाए। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया, वो काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों ने तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ने शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमें जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी फीडबैक है हमारे इस वीडियो के संदर्भ में, या फिर हमारे इस चैनल के ऊपर जो भी आपको वीडियोज दिखाई जा रही है उसके संदर्भ में, और या फिर किसी कंटेंट के रिगार्डिंग, तो आप हमें फीडबैक सजेशंस भेज सकते हैं हमारे ईमेल के ऊपर। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। तो अब फिर मिलेंगे कल सेम टाइम पे एक नए आर्टिकल के साथ में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।